टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तो मुंबई में एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बीसीसीआई ने सौरभ गांगुली को बोर्ड का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बोर्ड के सचिव बने। उत्तराखंड के महिम वर्मा नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 39वें अध्यक्ष के तौर पर बीसीसीआई की कमान अब सौरभ गांगुली के हाथ में है। सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। मुंबई में आज एक एनुअल मीटिंग यहां पर होनी है बीसीसीआई की, और उससे एन पहले अपने पदभार को सौरभ गांगुली ने ग्रहण कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो इस पद पर 2020 तक बने रहेंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं जय शाह, जिन्होंने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया, बीसीसीआई में पहले से आ रहे हैं 9 साल से, अरुण ठाकुर बीसीसीआई में पहले आ रहे हैं, हिमाचल में उन्होंने अच्छा काम किया था, और हमारे जो कुछ नए प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं जिनमें उपाध्यक्ष भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही आया है जो निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट को बढ़ाएगा।